हाईकोर्ट ने बढ़ाई अरविंद केजरीवाल की मुसीबत। केजरीवाल के खिलाफ सबूत में माना दम। अब केजरीवाल लंबे समय तक रहेंगे जेल में। अरविंद केजरीवाल की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हाईकोर्ट की टिप्पणी ने केजरीवाल के माथे पर पसीना ला दिया। केजरीवाल का अब चुनाव के दौरान जेल से बाहर आना हो जाएगा मुश्किल। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के सबूत में माना दम। क्या अब केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या अब उनकी मजबूरी बन चुकी है? दिल्ली हाईकोर्ट ने कैसे केजरीवाल की परेशानी बढ़ाई? क्या कुछ कहा है? हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आखिर मामला क्या है? अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कहा गया, केजरीवाल का जांच में शामिल न होना एक आधार है, लेकिन यह अकेला आधार नहीं। याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज किया। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मंगलवार को बुरी खबर सामने आई। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से शुरू में ही कहा गया, ये याचिका जमानत के लिए नहीं है, ये याचिका याचिकाकर्ता को इस आधार पर छोड़े जाने के लिए है। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए ये बात कही। कोर्ट की ओर से कहा गया, इस अदालत के सामने ईडी ने जो फाइल पेश की और जो सामग्री रखी वो केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त थी। ट्रायल कोर्ट ने जो रिमांड ऑर्डर जारी किया वो दो लाइन का नहीं था बल्कि एक तार्किक आदेश था। ईडी इस अदालत के सामने केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सामग्री रखने में सफल रही। फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने और क्या कहा? हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की दलील को ठुकरा दिया कि उनकी गिरफ्तारी लोकसभा चुनावों को देखते हुए की गई। हाईकोर्ट ने साफ कहा, वो आरोपी से सरकारी गवाह बने गवाहों के बयानों की जांच इस चरण पर नहीं कर सकती। आरोपी को हालांकि ट्रायल के दौरान इस पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। जांच एजेंसी को आरोपियों की सुविधा के लिहाज से जांच करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ता ने अपनी गिरफ्तारी को टालने की कोशिश की, वह जांच एजेंसी पर दुर्भावनापूर्ण का आरोप नहीं लगा सकता है। केजरीवाल का जांच में शामिल न होना एक आधार है, पर केवल अकेला आधार नहीं, उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री है। अदालत ने कहा, कोर्ट कानून द्वारा संचालित होती है, राजनीतिक पार्टी द्वारा नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं और न ही रिमांड ऑर्डर अवैध है। कोर्ट के सामने ईडी की ओर से जो फाइल और सामग्री पेश की गई और ट्रायल कोर्ट ने जो रिमांड ऑर्डर जारी किया वो दो लाइन का नहीं था बल्कि रीजन ऑर्डर था। गोवा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा, ईडी केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सामग्री इस अदालत के सामने रखने में सफल रही। दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराया। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद आप नेता को 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। यह मामला 2021 से 22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। यह नीति रद्द की जा चुकी है। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।